अरे गेरी गेरी बिरखा भाजा ते पाछा कहीं आ जा गेरी गेरी बिरखा भाजा उठी पाछा कहीं जा उमन साची साची बात बताओ जियो तालियों के साथ में सची सची बात बताओ जियो सची सची बात बताओ जियो मख मख मारे कंवर अजमाला रुणी चिरा राजा हेलो सांबड़ो जियो रुणी चिरा राजा हेलो सांबड़ो जियो मख मख मारे कंवर अजमाला गेरी गेरी बिरखा भाया पाछा कहीं जाओ ते मने सांची सांची बात बताओ आखिर में होयो कहीं है भगवान की कृपा हुई इतनो गेरो जमानो होने दी आशंका है और गेरो जमानो वे थे आपने खेत में बावला नहीं तो खाओ लगाई बोलो कहीं बात अब गांवरा ठाकुर था कौन बोले के थे बांझिया एक 80 बरसरा डोकरा आगे आया हाथ पग धूजे और अजमाल जी महाराज ने सामने हाथ जोड़ कहो कि बाप जी आप तो ठाकुर हो आप तो मालिक हो आप तो अंदाता हो पर अरे थे तो अजमल जी बीरा बांझिया कही जो थी तू अजमल जी बीरा बांझिया कही जो भारा सुगन खराब घना होया जियो सुगन खराब घना होया जियो मख मख मारे कंवरे अजमान रुणी चिरा राजा हेलो सांबड़ो जियो मख मख मारे कंवरे अजमान बोले ठाकुर साहब अंदाता आप तो मालिक हो पर अंदाता आप बांझिया हो और बांझिया आदमी रा सुगन लेर खेत में जाने सु बढ़िया है कि घरे आराम करो क्योंकि थारा सुगना सु कहीं निपजनो तो नहीं और थारे जड़ा बांझिया आदमी रा सुगन लेर खेत में मेहनत करने सु मतलब कहीं अब देखो करसा आवड़ कावड़ शब्द कह दिया अजमाल जी महाराज रे पैरों नीचो बात सुन और धरती निकल गई किसान ने आडा टोडा बोलता बोलता अपने घर चला गया अजमाल जी महाराज धीरे 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 अपने घर पहुंचा जब पतिदेव ने मैनादे जी उदास देखा तो बोल दियो पिया जी ओ सजना आप यूं आज बिलखा बिलखा लाग रहा हो कई बात है आप बड़ा दुखी हो आप मने बोलो अजमाल जी महाराज रे आंखें मुंह आंसू आ गया बोले रानी बांझियों के वेरे मारो मुख नहीं देखे
अरे बांजियों के वेरे मारो मुख नहीं देखे एड़ा कहीं पाप कमाया जियो एड़ा कहीं पाप कमाया जियो अम्मा खम्मा खम्मा रे कबरे अजीमा रूनी चिरा राजा है लो सांबलो जियो अम्मा खम्मा खम्मा रे कबरे अजीमा देखिए अजमाल जी महाराज रोता थका आखा में आंसोरी लड़ी बेवे अपनी रानी मेणा देने कहने लगा बोला रानी इनसो चोको है कि भगवान मने दुनिया उठा ले बांजिया बांजिया करे। देखिए जब कभी भी आपके हमारे घर में कभी ऐसा मौका होता है तो पत्नी अपने पति को निश्चित रूप से धीरज बंधाती कि चिंता ना करो भगवान सब ठीक करेला। मेणा दे जी भी अजमाल जी महाराज ने समझाया बोले पियाजी चिंता ना करो ना अब 12 साल तक द्वारिकाधीश का दर्शन किया एक बार मैं बोल रही हूं 13वीं बार फिर चले जाओ और इन बार द्वारकारो नाथ आपने मंदरी इच्छा जरूर जरूर पूरी करेगा। बाजरी ने लाडू बना दिया अजमाल जी महाराज ने दिया बोले भगवान ने भोग लगाई जो और भगवान ने सच्चे मन से प्रार्थना कर जो अजमाल जी महाराज फिर द्वारिका रे रस्ते रवाना हो गया। सर्दी गर्मी बरसात उड़बाना पाड़ा थका पावों में छाला पड़ गया एक सांवरियारी आस लिया अजमाल जी महाराज बहता गया बहता गया बहता गया। एक दिन द्वारिकाधीश से मंदिर रे आगे जा हाथ जोड़ खड़ा हो गया बोले भगवान 12 साल तक आयो ये हमारी नहीं सुनी 13वीं बार फिर आ गयो और इस बार यदि नहीं सुनी तो थारी चौखट पर माथो पटक पटक मर जाऊंगा। पर पाछो घर ना जाओ आज अरे हाथ जोड़ने अर्ज करूं जी हाथ जोड़ने अर्ज करूं जी आयो थारे बारने क्योंकि अरे दुनिया महाने मोसा दुनिया महाने मोसा बोले एक ता बद दे दुनिया महाने मोसा बोले किता बद दे कारने दुनिया महाने मोसा बोले किता बद दे कारने बोले केवे केवे अजमल सुन सावरा इतरो मत बन मुंजी और एक टाबरियो मने देवे एक टाबरियो मने देवे तो नहीं घटे थारी पूंजी और नहीं सुनेला विघ्न करूला हरी पूजा आरती में विघ्न करूला मर जाऊला लोगों रो भरोसो उठ जावेला थारे ऊपर सो कि एक भगत भगवान की चौकट पर मर गयो पाछो घर ना जाओ बहुत देर हो गई। अब भगवान रे आगे अजमाल जी सर पटक पटक रो रहा है
अजमाल जी महाराज जी ऊपर देखो तो भगवान की मूर्ति मुस्कुराती हुई दिखी, और जब मूर्ति ने मुस्कुराती हुई देखी अजमाल जी महाराज रो क्रोध और बढ़ गयो। अब और कुछ हो नहीं पास में, वे बाजरी का लाडू लाया भगवान ने भोग लगाने वास्ते। अजमाल जी महाराज रीस में वे बाजरी का लाडू भगवान की मूर्ति ने मार दिया। मंदिर का पुजारी जी दौड़ता दौड़ता भागता भागता है, बोले कि ठाकरा कहीं कुका मांडो मांडो है। अजमाल जी महाराज पुजारी बता दे कठे बार का रोना, दर्शन करीवाने आयो जियो, दर्शन करीवाने आयो जियो, अम्मा खम्मा खम्मा रे कवरे अजीमा। अब बोले पुजारी जी इतना साल हुआ हो आप सुबह शाम भोग लगाओ आरती करो, आपने तो पतो वेला कि भगवान कठे, और बड़ी रीस में जब पुजारी जी देखे ठाकुरों ने तो पुजारी खुद डर गया, बोले बताओ नहीं तो एक मिनट में मंदिर खाली करो। पुजारी जी अब सीधो सीधो तो जवाब क्या देवे, कहो ठाकुर साहब गर्मी ज्यादा पड़ रही है, जेठ महीनों है और इतनी गर्मी भगवान ने सहन नहीं हुए, तो भगवान अभी समुद्र में विश्राम करने वास्ते गया है। पंडित बोलियो सुनो ठाकरा मूर्त आगे कहीं लड़ो, और सांवरिया सो मिलनो वे तो समुद्रिया में कूद पड़ो, क्योंकि इन सागर पीपा जी ने मिलिया चार गुजारदार ने, भगवान पीपा जी ने मिलिया थाने भी मिल जाती। पुजारी जी कह दियो कि ठाकरा समझ में नहीं आवे भगवान समुद्र में विश्राम करने वास्ते गया है। बोले इतनी बात सुनी अजमल ने समुद्रिया में कूद पड़ा, और सोने का तो महल देखा हीरा पन्ना खूब जड़िया, आए सांवरे दर्शन दीना सिर पर पट्टी बांधने, भगवान रे माथा ऊपर पट्टी बंधी हुई है, माथा ऊपर सु खून बह रहे है। अजमाल जी महाराज बड़ा हक्का बक्का हो गया, बोले भगवान के कर दो खबरा, मैं तो सुनियो तो कि आप तो बहुत बड़ा आदमी हो, आप तो इन तीन त्रिलोक का नाथ हो, आप तो बड़ा शक्तिशाली हो, और आप इतना बड़ा शक्तिशाली हो तो फिर आपने माथा ऊपर चोट कैसी है। भगवान मुस्कुराता कह दिया कि अजमाल थारे जड़ा कई बड़ा भगत ही दुनिया में है। बोले भगवान वो कहीं, बोले कोई भगत मारे लाडूरी मार दी। अजमाल जी बोलिया भगवान मैं तो भी मूर्ति ने मारी आपने चोट कटू लागी। तब श्री हरि विष्णु अजमाल जी महाराज ने समझाया, बोले कि देख अजमाल उन मूर्ति में मारो वास नहीं होतो नहीं तो तू कोई 12-12 साल तक थोड़ी आतो। अजमाल जी महाराज भगवान के चरणों में गिर गया और भगवान ने हाथ जोड़न विनती करने लगा। अजमाल जी महाराज जब भगवान के चरणों में पड़ा तो भगवान अजमाल जी महाराज ने कहो कि अजमाल चिंता ना करना हरे बड़ो विरम दे वेला। अजमाल जी महाराज ने उस बात को ही पकड़ लिया, बोले भगवान बड़ो विरम दे वेला तो छोटो कौन वेला। तब श्री हरि विष्णु अजमाल जी महाराज ने कहने लगा, बोले जद चंदो करे बरस चौपनो नयो बांस जग, बरस चौपनो मास भाद्यो नयो चांद जग फूगेला।
सुन रे अजमल थारे पालड़े दो दो टाबर झूले ओ पानी रो तो दूध बनेला पानी रो तो दूध बनेला कुकू पगल्या आंगने भगवान के अवतार की बात है तालियों के साथ में दुनिया माने मोसा बोले एक टाबर रे कारण दुनिया माने मोसा बोले एक टाबर रे अजमाल जी महाराज भगवान रा कॉल वचन कर अजमाल जी वापस अपने घर आ जावे। कुछ समय बाद में मेणा दे जी बीरम दे जी ने जन्म दियो और उसके कुछ समय बाद एक दिन रात रा 1461 साल भादवे महीने री दूज की रात चंद्रमा उगयो चारों तरफ तूफान आयो और अजमाल जी महाराज रे आंगणे में बीरम दे जी रे साथ में एक बालक आ और पहुंच गयो बड़ी अजमल घर अवतार की जय। अजमल जी ने आंगणे में भगवान रे वचन अनुसार कुंकुरा पाव मंडिया घरों सारो पानी दूध बन गयो चारों तरफ रोशनी हुई आकाश गर्जना हुई और भगवान अजमल जी ने जब आंगणे में आया तो भक्त लोग लिखियो है खम्मा 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 हो कवरी जी मानरा खम्मा 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 हो कवरी जी मानरा खाने तो पूजे राजस्थान जियो गुजरात जियो ओ खम्मा गणी गणी खम्मा राजा राम अजमल घर अवतार लियो भादरवारी दूजी जाननी अजमल घर अवतार लियो कुकू पगला मांड सावरियो पालनिये में पोड़ी गयो कुकू पगला मांड सावरियो पालनिये में पोड़ी गयो दो दो बालक देख पालनिये सगला अचरज भरी लाडा बालिका नात्री लीला राजस्थान जियो गुजरात जियो खम्मा गणी गणी खम्मा राजा राम साफी ओ गणी गणी खम्मा राजा राम साफी ने ओ
पहलो परचो पिता अजमल जी ने तीनों कुंकुड़ा बगलिया मंडाया और दूजो परचो माता मेणा देने दियो उफण तो दूध दबायो। अब देखिए दो दो बाल की देखी पालनी है मेणा दे शंका लाई मेणा दे शंका लाई ओ कहीं जादू होयो घर में माता मन में घबराई ओ कहीं जादू होयो घर में माता मन में घबराई मारी शंका ने मिटाई मैया री शंका ने मेरी दूध उफण तो लियो ता लीला देखी श्याम सुंदरी लीला देखी श्याम सुंदरी इवड़े आयो है अने तो पूजे राजस्थान जियो। खम्मा 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 हो थाने तो पूजे राजस्थान जियो गुजरात जियो खम्मा घनी घनी खम्मा राजा राम साहब घनी घनी खम्मा राजा राम साहब हो घनी घनी खम्मा राजा राम साहब। धीरे धीरे सबे जो चक्र चलतो रहे हो अजमाल जी महाराज बड़ा लाडा कोटा सू बीरमदेव जी ने और रामदेव जी महाराज ने बड़ा कर दिया माता मैणा तेरो लाड माता मैणा तेरो स्नेह मिल रही हो। बाल अवस्था में बाबा रामदेव जी जब आया तो गांव में एक रूपा नाम रो दर्जी थो दर्जी बड़ो लालची हो बाबा रामदेव जी महाराज जब बाल अवस्था में आया तो बाने दर्जी री करतूत रो पतो लागो कि गांवरा लोग रूपा दर्जी बड़ा दुखी है कोई महंगो कपड़ो कोई भरी ले जार देवे तो वो भरी तो अंदर राख दे और सूतीरा कपड़ा बनार दे देवे गांवरे लोगों की मजबूरी थी। और बाबा रामदेव जी महाराज एक बार अपने मन में निश्चय कर दर्जी ने परचो देने री ठान आज चटने करूं रे सवार माने कयो ए मन घोड़ लियो मंगवाए मारी मां मन घोड़ लियो मंगवाए Bye.
घोड़ लियो घोड़ लियो घोड़ लियो मंगवाए मारी मामन घोड़ लियो मंगवा ओ मामन घोड़ लियो मंगवा ओ मामन घोड़ लियो मंगवा ओ मामन घोड़ लियो मंगवा शेजमल गर्भतार की अपनी मां मेणा देसु हट पकड़ बाबा रामदेव जी महाराज कपड़े रो घोड़ी घोड़ो मांगियो मां मेणा दे रेशम रो कपड़ो रूपा दर्जी ने दियो रूपो दर्जी चोरी कर दी बाबा रामदेव जी महाराज कपड़े रे घोड़े ने आकाश में उड़ा दियो रूपा दर्जी ने जेल में बंद कर दियो रूपो दर्जी जब अपनी गलती ने मानी तो बाबा रामदेव जी महाराज रूपा दर्जी रा फंद छोड़ाया लक्की बंजारो बाड़द ले आयो झूठ बोलियो कर्री चोरी टैक्सरी चोरी करने वास्ते लक्की बंजारो झूठ बोलियो बाबा रामदेव जी महाराज मिश्री रो लूण बना दियो लक्की बंजारो बाबा रामदेव जी महाराज रे पगा में पड़ियो तो वापस लक्की बंजारे ने माफ कर दियो बहिता बाणियारी जाज समदा में तराई और यूं करता करता बाबा रामदेव जी महाराज मोटियार हुआ। बाबा रामदेव जी महाराज जब मोटियार हुआ तो हर माता पिता अपने बेटे रे ब्यावरी कामना करे माता मैणा दे रे मन में भी आयो कि रामदेव जी महाराज रामदेव बड़ो हो गयो कोई डंगरी जगह पर सगाई सकपण करो ब्यावरी बात चलाओ। एक दिन अजमाल जी महाराज ने मैणा दे जी जाहिर कहो कि पतिदेव आप तो राजकार्य राजरे काम में ऊंचा नहीं आओ घर में दो दो बेटा जवान हो गया है और आपने बात रो पतो ही नहीं है। देखिए हर आदमी रा किस्मत हर आदमी रा भाग्य भगवान बेमाता लिख भेजा करे। अमरकोट में दलजी सोडा रहता दलजी सोडा रे एक बेटी जो जन्म री पांगली थी नाम तो नेतल अटी ने जैसे माता मैणा दे रे मन में चिंता हुई उसी प्रकार दलजी सोडा रे घर में भी एक दिन दलजी री लुगाई जार दलजी ने कहो कि थे तो राज काम में इतना उलझोड़ा हो और घर में आप पांगली बेटी है बोटियार हो गई है जवान हो गई है कटी कोई ठिकानो अपने बराबरी दा कोई सरदार देखो अपनी बेटी री सगाई करनी है थोड़ी बहुत तो चिंता आप भी मन में रखो। अमरकोट सोडा घरे अमर सो अमरी कोट सो डागरे ने कनिया जन्मी है हो जी अजमल घर अवतार सो जारा लिखा विदाता दल जी के दो पुत्र भये कन्या एक सुजा प्राणपति अर्जी सुनो नेतल दे अपनी मां ने जार कहो कि मां मारी सगाई ब्यावरी चिंता करनी आपने जरूरत नहीं है पिछम धरा में रुणीचा नाम रो गांव और रुणीचा रा जो कुंवरसा है रामदेव जी बारे साथ में तो मारो भाव भाव रो रिश्तो है भाव भाव रो संबंध है और आप यदि कर सको यदि मारा पिताजी ने समझा सको तो मारो तो लगन रामदेव जी रे साथ में यदि कर सको तो करनो और मैं जन्मी मारे वास्ते लारला कई कई भवा में मारो संबंध दलजी री पत्नी जार दलजी ने कहो कि पतिदेव सुनो हो बेटी रे मन री बात प्राणपति अर्जी सुनो रे कन्या कही सोबा अजमल घर अवतार से थे ब्याव करो गुण सा। जब ठाकुर साहब ने बात कही तो ठाकुर साहब राजी हो गया ब्राह्मण देवता ने बुलाए सोनारो नारियल दियो और जगह बता दी बोले रोणीचा गावरा ठाकुर साहब है अजमाल जी महाराज मारा बेटा है रामदेव अपनी नेतल रो ब्याव
रामदेव जी ने साथ में करनो है, आप उस नारियल लेर जाओ। ब्राह्मण देवता घूमता घूमता एक दिन रूनीचे आ गया। जार माता मैणा देवी जी ने जान कहो कि मैं अमरकोट सु आयो हूं, अमरकोट रा सरदार, अमरकोट रे सरदार रो रिश्तो लेर आयो। बाबा रामदेव जी महाराज खड़ा, माता मैणा दे और ब्राह्मण देवता आपस में बातचीत कर रहा है। माता मैणा दे मन में विचार क्यों कि घर आयोड़े नाले रो अनादर नहीं करनो। बोले कि ब्राह्मण देवता आप तो अपने ठाकुर साहब ने जार कह दो कि मैं अपने बेटे रो ब्याह आपरी बेटी रे साथ में करने वास्ते तैयार हूं, और 1,25,00,000 री मोहरा दे। और ब्राह्मण देवता ने विदा कर दिया। रामदेव जी महाराज आ सारी बात सुन ली। रामदेव जी महाराज रे ब्याह नहीं करनो। रामदेव जी महाराज 80 बरस री उम्र धारण कर एक डोकरो बन और मंदिर में जात बैठ गए। ब्राह्मण देवता जाता जाता मैणा देवी ने कह दियो कि मां कुंवर साहब कहड़ा खे, मैं देखनी चाहूं कुंवर साहब रो। माता मैणा दे ने जब ब्राह्मण देवता कहो कि मैं कुंवर साहब ने देखनी चाहूं, तो माता मैणा दे कह दियो कि वाप गांव रे बाहर पधारो, बटे कटी आप रे संगी साथी रे साथ में खेलता वेला बैठा वेला तयो में वेला। ब्राह्मण देवता जार देखे तो रामदेव जी महाराज 80 वर्ष री उम्र धारण कियोड़ा बैठा। ब्राह्मण देवता कहो कि इतनो बूढ़ो आदमी ने तो अपने ठाकुर साहब बेटी नहीं दे रहे। जार मैणा दे जी ने माफी मांगी, बोले कि मां 80 साल रो डोगरो बैठो है और 80 साल रे डोगरा रे साथ में मारा ठाकुर साहब अपनी बेटी रो ब्याह नहीं करे। तब माता मैणा दे जा रामदेव जी महाराज ने समझाया, बोले रामदेव थारे जन्म रे कारण थने दुनिया में लाने वास्ते थारे पिताजी कितना कितना जतन किया, और आज तू यदि ब्याह भी वास्ते इनकार कर देला तो तमर वंश आगे कैसे बढ़ेला। हे बेटा तू मान जा, थारी मां थने समझावे अपनी मां री बात मान। बाबा रामदेव जी महाराज अपनी मां ने हां भर दियो, बोले कि मां मारे ब्याह नहीं करनो पर मैं थारी बात ने नहीं टाल सकूं, ये वास्ते तू केवे जो मैं करने वास्ते तैयार। घर में ब्याह री तैयारियां शुरू हुई। माता मैणा दे उदास, और उदास जब अपनी मां ने देखी तो रामदेव जी पूछ लियो कि बेटा मां थारे कहने से तो मैं हां भरी, पर आज तू बिल्की बिल्की लाग रही कई बात है, तू उदास क्यों, थाने किन बात री चिंता है। तो माता मैणा दे रे आंखों में आंसू आ गया, बोली बेटा हरे लाछा तो आई बेटा, तुम्हारी सुगना क्यों नहीं आ, लाचा तो आई बेटा तुम्हारी सुगना क्यों नहीं आई, अरे बाई सुगना ने बेगी बेगी लावो दियो, लाछा तो आई बेटा सुगना क्यों नहीं आई, लाछा तो आई बेटा सुगना क्यों नहीं आई, मादी सुगना ने बेगी बेगी लावो दियो, खम्मा 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 रे कवरे अजी मावरा रूनी चेरा राजा है लो सांबड़ो जियो, खम्मा 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 रे कवरे अजी मावरा। रामदेव जी महाराज री 2 महीना थी। मैं आपने पहले निवेदन कियो कि धनरूप सिंह जी रामदेव जी महाराज रा काका था, और धनरूप सिंह जी री 2 बेटियां थी, एक रो नाम लाछाबाई तो दूसरी सुगना थी। लाछाबाई रो ब्याह पोकरण में कियो गयो। लाछाबाई और सुगनाबाई ने बीकानेर जिले में पुंगलगढ़ गांव में पुंगलगढ़ रे पड़िहार और विजय सिंह जी रे साथ में सुगनाबाई रो लगन हुआ, और पुंगलगढ़ रा पड़िहारों ने अपने क्षत्रिय होने रो बड़ो अभिमान। तो रामदेव जी महाराज सामान्य गरीब आदमी री सेवा करता, रामदेव जी महाराज ऊंच नीच रो भेदभाव नहीं मानता, रामदेव जी महाराज असहाय पीड़ित लोगों री सेवा करता। और इन बात सो पुंगलगढ़ा पढ़ियार बड़ा बड़ा क्रोधी क्रोध में था, पुंगलगढ़ा पढ़ियार बड़ा नाराज था, और इन वास्ते सुगनाबाई ने 12 साल तक सुगनाबाई ने पीहर नहीं भेजी।
देखिए अठीने सुगना भाई अपने भाई अपने माता पिता अपने पीर ने याद करता था का आंखों में आंसू डा ढलकावे बोलिए के तो आजा बीरा राम देव नहीं तो लिख भेज संदेह जी नेड़ो में आंसू पड़े जो सावन अठीने सुगना भाई उदास उठीने मां उदास तो मां जब रामदेव जी महाराज ने कहो तो रामदेव जी महाराज कहो कि मां चिंता मत कर मैं अभी प्रबंध करूं सुगना ने लाने रो बाबा रामदेव जी महाराज रे खास भगत था जारो नाम तो रत्नो राय को रामदेव जी महाराज रत्न ने बुलाए रत्नो हाजिर हो गए बोले बाबा हुक्म कराओ बोले कि हुक्म नहीं पोंगलगढ़ जानो है रत्नो बोले कि गांव अब यूं तो कोई गयो तो मरुला रत्ने दिमाग लगा और एक मरियल सी सांड थी दुबली सांड बोले कि या तो ना पुगे रस्ते में आ मर जाए मैं पाछो हार कह दूंगा बाबा सांड मर गई बीजो रत्नो राय को वह मरियल सी सांड ले जब पोंगलगढ़ ने मार के रवाना हुए बाबा रामदेव जी महाराज रे ऐसी कृपा हुई कि वह मरियल सी सांड बाबा रामदेव जी महाराज रे कृपा सो पोंगलगढ़ की तरफ भागती हुई जा रही रत्न रे मन में भरोसा हो गया कि मारो बाबो मने मरने नहीं देला अब रत्नो राय को थो वो तो बाबा री मस्ती में भक्ति में मगन हो पुराने जमाने में कई सिस्टम था रावड़ा में घोड़े चढ़ियोड़ो सांड चढ़ियोड़ो अंदर नहीं जानो साफो नहीं पैर तो ठाकुर साहब मिल जाता तो खमागणी अंदाता पगों में पड़नो पोतियों मिलनो पड़तो रत्ना ने ही सारी बातों को कोई पतो नहीं रत्नो जो ही पोंगलगढ़ में प्रवेश कियो जार सीधो रावड़ा में सांड पर बैठो बैठो चलो गयो सामने सुगना भाई पति देव विजय सिंह जी बैठे और सांड रे ऊपर बैठो बैठो जब रत्ना ने आओ तो देखियो तो दूर से आवाज लगाई बोले आग कौन है थोड़ी बहुत मर्यादा नहीं जाने रावड़ा में सांड ऊपर बैठो बैठो आ गयो कौन है थारो नाम का ही है रत्नो बोले कि हो तो मुंह रत्नो कठू आयो बोले कि रामदेव रासू मारा बाबा रामदेव जी मने भेजो है इतनी बात करते ठाकुर साहब रो क्रोध और बढ़ गयो बोले कि चुप खबरदार है और बोलिया अरे उन रे कामड़िए जो रत्ना नाम मती लीजे केतड़ी रे माई जियो घेरोला केतड़ी रे माई जियो खम्मा 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 वो पवारी आजी मामला रुणी चेरा राजा है लो सांबलो जियो खम्मा 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 रे कवरी बोले जमल गर्वतार की बोली रत्ना खबरदार है अभी तो लियो वापस लेने की जरूरत नहीं है बोले कि मैं तो मारे बाबा रो भेजोड़ो आयो बोले आयो कि कर मारी भाई सुगना ने लेवण वास्ते आयो पोंगलगढ़ पढ़ियार विजय सिंह जी रो क्रोध और बढ़ गयो अपने फौज ने अपने सैनिकों ने आवाज लगाई बोले रत्ने ने कुएं में उल्टो लटका दो सुगना भाई री ननंद सुगना भाई ने जार कहे कि भाभी साहब नाम तो पतो नहीं लेकिन रत्नो नाम रो एक आदमी आयो तो आपरे पीरसो और मारा भाई साहब इन्हें जेल में बंद कर दियो तब सुगना भाई री व्यथा सुगना भाई री पीड़ा अंदर सो और जाग उठी बोले भाई मैं तो थारो कोई कसूर कियो वेला लेकिन इन भोलिए रत्ने थारो का ही कसूर कियो इन्हें जेल में सुगना भाई डागला पर चढ़ गई और मन में विचार कर दियो कि भाई या तो तू आ जा नहीं तो सुगना और प्राण दे और थारो नाम बदनाम कर देला दुनिया में कहवेला कि दुनिया में भगवान बनोड़ो फिरतो और मेरी बेन मेरे दुखरे सुन कारणों मर गई
और बोली अरे भी राम हरा बोले भाई थारी कोई जामन जाई होती थारी सगी बहन होती तो तू जरूर ले जातो पर मैं तो थारे काकारी बेटी बहन हूं वास्ते थने मारी चिंता क्यों मैं तो थारी दुबाली बहन हूं और काकारी बेटी हूं वास्ते थने मारी परवाह नहीं बाकी थारी जामन जाई होती तो तू कद को ले जातो ये दुख रे कारण मैं अपना प्राण दे दूला। बाबा रामदेव जी महाराज ने अपने भाई ने याद करती थकी सुगणा भाई पुकार की बोले बीरा अरे अलगी गणी पर नहीं वो थारे लारले जन्मरा कोई काला तिल चोरिया ई जन्म में थारो कोई गुना कियो जी तू दुख में प्रणा दी बात बात पर पुंगल गडरा पड़िया तानो मारे बात बात पर थारो नाम ले मने सतावे बोले थारो भाई रामदेव तो कामड़ियो है बोले बीरा तू दुनिया वास्ते भगवान बन गयो और वो दुख मारे गले क्यों घाल गयो यदि तू भगवान ना बनतो तो मने भी दुख नहीं तो लेकिन तू दुनिया रा कारे सारे बिरा मैं थारो कहीं गुना कियो और अठी ने मारा माता पिता री याद घनी सतावे बिरा
रे काल परिता राम हरा अजी राम हरा राम देव दे बने एक ले बणिया अलगो बैरो हरि अलगो बैरो अलगो बैरो सासिरो भाई कि आज थारो ब्याव नहीं होयो काले थारो ब्याव यदि हो जावेला तो आज तो मारो पीर में आऊं तुम्हारी मां रे कारण पूरे पीर में घर में मारो सारो बारो रेवे और काले थारो ब्याव हो जावेला बोझाई आवेला तो घर में जानो और घर में बैठनो भी मन तय करनो पड़ेला कि कट तक बैठनो और कट तक रहनो। पन्नालाल जी बहुत सुंदर लिखियो है कि जिस घर में माँ है वो पीहर और जिस ससुराल में सासू है वो ससुराल, सासू नहीं है तो फिर ससुराल रो भी कोई अर्थ ना। बोली ए सासू जितिर मन को माने दी बीरा हरा बीरा हरा राम देव दे भाई ने एक ने बनिया अड़गो बैरो सासिरो ने माता मिलवा पुकार सुनी सुगना भाई मरने वास्ते तैयार हो गया तब रामदेव जी महाराज ने रात्रा वक्त सूता ने सपनों आयो। सपना में उठ और अपनी मां ने कहो कि माता मैणा दे मने खोटो सपनों आयो मैं सुगना ने रोवती देखी हूं अपने साथ में शक्ति रो संचय कर शक्ति रो आह्वान कर। बाबा रामदेव जी महाराज रोणीचा सो रवाना हो पोंगलगढ़ पहुंचा पोंगलगढ़ रे पढ़ियारो रे अभिमान ने खत्म कर और अपनी बहन सुगनाबाई ने वापस रूणी से जब ले आया तब घर में चारों तरफ खुशियां चारों तरफ खुशियां चारों तरफ उत्सव। बाबा रामदेव जी महाराज रे ब्यावरी तैयारियां शुरू हुई। बाबा रामदेव जी महाराज ने पाठ बैठाया और चालो विनायक आपा जोशी घड़ी चाला चालो विनायक आपा जोशी धीरे चाला चोखा चोखा लगन लिखावा लगन लिखावा मारो देवी विनायक सुंडी सुंडाड़ो यो तो धूम धुमारो आशा चली गनी लिखावो रे मारो प्यारो रे विनायक चोखा चोखा लगन ओछी पिंडारो कमल गाड़ो रे
મારો ગીરી દીદી નાયક ઓછી રે પીની રો કામન તારો રે નખરા ચાલો વિનાયક યોગે શિર વિયારે ક્યાસા ચોખી ચોખી બરિયા મોલાવા ચોખી ચોખી બરિયા મોલાવા મારો દેવી વિનાયક ચોખી ચોખી બરિયા મોલાવા હો ચાલોની વિનાયક આપા ચૂડી ઘર જાલા ચાલો વિનાયક યોગે ચૂડી ઘરી જાવા અરે ચાલોની વિનાયક આપા ચૂડી ઘર જાલા ચાલોની વિનાયક યોગે ચૂડી ઘર રે ચાલા ચોખા ચોખા ચૂડેલા મોલા મારો બિરદ વિનાયક બિરદ વિનાયક મારો દેવ વિનાયક અરે સોના રો બાજોટીઓ ને હીરા પન્ના દે સોના રો બાજોટીઓ ને મોતી રો સોજડીઓ અરે સોના રો બાજોટીઓ ને હીરા પન્ના દે અરે સોના રો અરે અજમલ જી સરી કાકારા અરે સાપે લારી સાયા સોપટ ખેલો ઓલા દેવડા તને બાજોટે મેરા અરે ચંપે લારી છાયા ચોપટ ખેલો ઓલા દેવડા તને બાજોટે અરે બાજોટે બેટા હું બનાને હો કે રમાઓ અરે ઘી ગુડડી ગુટી પીલાઉં ઓલા ડેલડા અને બાજોટે અરે ઘી ગુલરી ગુટી પીલાઉં ઓલા ડેલડા અને બાજોટે ફેરા અરે મેણા દેસરી ખાતારા માતા ઓલા ડેલડા અને બાજો કે અરે મેણા દેસરી કાતોરા માતા ઓલા ડેલડા અને બાજો ટે બેરા અરે સુગણા બૈસરી ખાતારા બેના ઓલા ડેલડા અને બાજો કે અરે સુગણો બૈસરી કાતોરા બેનો હોલા દેલડા તને બાજોટે બેરા અરે ભીરમ દેસરી ખાતારા બીરા ઓલા ડેલડા
અને બાજો તે બેઠા બાજો તે બેઠા બાજો તે બેઠા રામદેવજી મહારાજ ને મિત્ર લોક હલ્દી લગા રહ્યા હે ઓ મારી હલી ધીરો રંગ સુરંગી આની પ્રીજે મારો હલધીરો રંગ સુરંગી નિભજે પાણી રે હલધી મોલાવે બનારા બાબોતા બનારા બાબોતા હલધી એ મોલાવે રામદેવ ધીરા ધીરે હળદી રંગ રે મારી હળી ધીરો રંગી સુરંગી આની પીજે મારી હળી ધીરો રંગી સુરંગી આની પીજે અશોકજી ભી ગાય તો રામદેવજી મહારાજ ની બરાત ચડી આ અરે ઘોડી કરે જી હાતાઈ દાતા જાન ચડો રામદેવજી એ ઘોડી કરે રે ધીરા આકાજી દાતા જાન ચડો રામદેવજી દાતા અરે ઘોડી કરે જી આબાઈ ધાબા જાન ચડો કેશરી અરે ઘોડી કરે આ તો આબાજી દાબા જાન ચડો રામદેવ જીરા બાબા તેલ ચડી ને તલ જોવે બાટા તેલ ચડી ને તલ જોવે જી બાટા જાન ચડો રામદેવ જીરા બાબા અરે તેલ ચડી રે નાજુ જોવે બાટા તેલ ચડિયો ને તલ જોવે બાટો જાન ચડો અંજારી ફૂલી રો ફૂલી બના ઉભા મેં જોડે સે ખડા કર દુંગા ધ્યાન રખના એ બના સમારો કેસરીઓ અજારી ફૂલી રો રે ફૂલી અજારી રે ફૂલી રો રે ફૂલી ચંપારી અંજારી રે ગુલી રો ફૂલે એ સંપેડી રે ટીકી પાવે એ પીરા મારા માટલીઓ મતી રહે ને ઉજરે પાડી તાલીઓ સે વિવાદન કરે સભી લો મતી રહે ને ઉજરે પાડી એ સાથી ડારી નિજીરા અરે ભાઈ ભાઈ માદળીઓ એ મંતરાવે ને એ ભૂચરે બાંધી મંતરાવે એ ભૂચરે બાંધી ભવરજીને નિજરા લાગે એ પીરા મારા અડકે ધડકે ચોવટી મતી
सावधिये मती जाई ये चोरा सदी निजीरा लागो ये पीरा मारा जड़ी के धड़ी के अरे बागों में मती जाजे बागों में मती जाजे इंद्रा मालड़ी नजीरा लागे सबरिया में मती जाई सासू जीरी निजीरा अरे छोड़ दे ला गांव घोड़ो फेर दे ओ लाडला छोड़ दे ला गांव घोड़ो फेर दे ओ लाडला बोली रामदेव जीरी दान हलावे लिया छोड़ दे ला गांव घोड़ो फेर दे ओ लाडला। रामदेव जी महाराज री बारात अब रुणीचा सो रवाना और अमरकोट पहुंची है। ए गोपाल लाल में तो थारा मसके लाडा थारी मोजरी रे धड़के केसरिया री जो हे मची के लाडा थारी मोजरी वो भड़के केसरिया री मसके लाडा थारी मोजरी रे गड़के केसरिया दी जो ओ नगरी रालो गोए पूछियो जी हीरो वीरो करने वाले ए नगरी अजमली जी बोला दिलो रामो वीरो पणजवाने ओरे राजा अजमल जी रोदी दिलो राम देवी पणजवाने रामदेव जी महाराज री बारात जब अमरकोट पहुंची तो रामदेव जी महाराज जी जो सासू थी उसको भरोसा नहीं था कि मैं सुनियो कि अवतारी परीक्षा तो करनी चाहिए कि अपना कंवर सा वास्तव में अवतारी है। अठी ने नेतल अपने भाव-भाव रा भरतार अपने पियाजी रो इंतजार कर रही है। दो पंक्तियां प्रस्तुत करना हो दड़बा दड़ बीच चमके जीता दड़ बादल बीच चमके जीतारा
दड़ी बादड़ी बीची चमके जी तारा, दड़ी बादड़ी बीची चमके जी तारा, सांझी पड़ा पीवी लागे जी प्यारा, सांझी पड़ा पीवी लागे जी प्यारा, कहीं तो मिजाज कदूरस, कहीं तो मिजाज कदूरसिया, ओ दड़ी बादड़ी बीच चमके जी तारा, बादड़ी बीच चमके जी तारा, ओ सांझी पड़ा पिबजी लागे जी प्यारा, सांझे पड़ा पिबजी लागे जी प्यारा, कहीं तो मन बारे करार सिया, ओ कहीं तो जागी सासू। एक मरी हुई बिल्ली ने थाली में राख और रामदेव जी महाराज की परीक्षा करने वास्ते डेरा में भेजी। रामदेव जी महाराज बिल्ली रे ऊपर हाथ घुमायो, बिल्ली वापस जीवती खड़ी हो गई। सासू ने भरोसा हो गया कि मारो जो पावनो है वो अवतारी, अब ब्राह्मण देवता चमरी में हथले वो जोड़ा और चमरी में बिठावे। सब लोगों ने टेंशन थी कि जब फेरा वेला तो भीनड़ी ने उठनो पड़ेला और नेतल तो जन्म सु पांगड़ी है, और यदि आप चमरी में उठ नहीं पाई चल नहीं पाई और बारा दीदी वापस लौट गई तो फिर क्या वेल। लेकिन रामदेव जी महाराज रे ऊपर जब सासू बिल्ली ने जीवती कराई तो सासू ने भरोसा तो इन बात रो कि मारी बेटी रो जो भरे वो कोई सामान्य पुरुष नहीं, जो सामान्य आदमी नहीं, ये तो अवतारी है। अरे थे दो तोरणिये आए ने उबारो रे जा, एक बार खड़े हो जाओ महावीर जी थोड़ा सा आप आ जाओ। ये तो तोरणिये ये तो तोरणिये आए ने उबारो रे जा, ये तो तोरणिये आए ने रे जाके तो तोरणी ने बलियुगा, रे जाके तो तोरणी ने बलियुगा, रे जाके तो तोरणी ने बलियुगा, अरे रे जाके तो तोरणी ने बलियुगा, वो केसरिया जडोनी वो नवल बसे, अरे रे जाथे तो तोरणी ये बलरूबा हो केसरिया सडोनियो नवल बसेरी, सडोनियो सायर गोरी, अरे रे जा थारे माता रो दुमा, रे जा थोरे माता रो तू मालो, ये देखे ने जीवड़ो हो रो रे ते, देखे ने जीवड़ो हो रो केसरिया सदोनियो नवल बसेरी, अरे रे
भेजा थारे माता रागज मोती, भेजा थोरे कोनो रागज मोती, अरे भेजा थारे कोनो रागज मोती, भेजा थोरे कोनो रागज मोती। एमे तो आड़िए गुंगती ज्योति हो के सरिया ढोनी वो नवल बसे, मैं तो आडोरे गुंगत ज्योति हो के सरिया सडोनी वो नवल बसे। चमड़ी में सहेलिया गावे, अरे पेलो फेरो पिरियो ने तल बाबू सारी लाडली, पेलो फेरो फरियो ने तल बाबू सारी लाडली, अरे पेलो फेरो बाबू सारी लाडली, पेलो फेरो फरियो ने तल बाबू सारी लाडली, अरे दूजो फेरो माता जी री दी, दूजो फेरो दूजो फेरो माता जी री दीवरी, अरे तीजो फेरो काका री भतीजी, तीजो फेरो काका री भतीजी, अरे चौथे फेरे नेतल बाई हो यारे परारा, चौथे फेरे नेतल बाई हो यारे पराया। चमरी में उतरने रे बाद में ब्राह्मण देवता भाई ने बुलावे, फिर पिता को फिर माँ को काका बाबा मामा सबको धीरे धीरे बुलाते, अरे सेवरियों रा दान बैरा फिरो सा तो तेरे आई रे धर्म री देरा मुरा, सेवरिया रा दान बैरा भाई जियो दे आई रे धर्मियारी मेरा होरा, अरे गाया भेसा दान बैरा माता जी तो दे रे आई रे धर्मरी मेरा होरा, अरे गाया भेसा दान बैरा माता जी तो दे रे आई रे धर्मियारी मेरा होरा, अरे हाथा राहत फूल बैरा बाबी सा तो दे रे आई रे धर्म री बेला, हाथो राहत फूल बैरा बाबी सा तो दे रे आई रे धर्मियारी बेला पूरा, अरे सोना रो तंदोरो बैरा मामो सा तो दे रे आई रे धर्म सुनारो खंगोरो पैरा मम्मी सा तो दे रे आई रे धर्मियारी तेरा होरा, अरे तावारी बिछुड़िया पैरा मम्मी सा तो दे रे आई रे धर्मरी तेरा होरा, हाथों वाला गजरा पैरा मम्मी जी तो दे रे आई रे धर्मियारी बेरा होरा, अरे दोनी बाबो साबाई ने दाजी जोरे मारी नेतल बाई सासरिये रोजा, ये दोनी बाबो जी बाई ने दाई सो मोरा नेतल बाईयो पाला जा, अरे दोनी ने दाए जो मारी नितल बाई पाला, अरे दोनी बाबू सा बाई ने दाई सो मोरा नितल बाईयो पाला, अरे मोरियो ए माया तो बाबो सादी लाडक चाली सास रे बोरा आज मो, अरे मोरियो ए मां बाबो सारी
मारी लाड के साली सासरे बोली रे भाई तने भेगो लेण वास्ते आउला चिंता ना कर। अरे मोरियो ए माय आ तो माता जी दी थीवड़ी चाली सासरे बोरा अरे मोरियो ए माय आ तो माता जी दी थीवड़ी चाली सासरे रोकड़ा लारे रह गया सखी सहेली और साथ छूट गयो माता रो हेत पिता रो लाड ये सब कुछ पीछे पीहर रा रोकड़ा नेतल भाई पीछे बार बार पीछे अपने पीहर रे रोकड़ा ने देखती हुई रामदेव जी महाराज री बारात वापस रूणीचारी तरफ आ रही थन ससुरो लड़ावेला प्यारी कोयलड़ी थन सासू जी देवे मां प्यारी कोयलड़ी एक साथ नाम बोलेंगे बारे कृपा थारा सासू लड़ावे थनेला प्यारी कोयलड़ी जेठ जेठानी देवे मां प्यारी कोयलड़ी
थारा सासु लड़ावेला चारी कोयलड़ी देख जेठानी देवे मान प्यारी कोयलड़ी थारा नन दोई देवे मान प्यारी कोयलड़ी थारा नन दली बाई तादी मान प्यारी कोयलड़ी जा जाए मोरी चिड़कू जा जाए एक मां की भावना हो सकती है थारा सासु जी देवे थनेला प्यारी कोयलड़ी जेठ जेठानी देवे थने मां प्यारी चिड़कू जा जाए मोरी चिड़कू जा जाए कोयल पीहर सो विदा ले। बाबा रामदेव जी जब रूणी चे आया तो सगड़ा लोग रामदेव जी महाराज रे सामेले में खड़ा सब खुश, लेकिन सुगना भाई उदास मेला कुचेला फटा हुआ कपड़ा पहन खड़ी। रामदेव जी महाराज समझ गया कि कोई न कोई बात जरूर है। बोलियो कि बहना इन घर में इन सु बड़ी खुशी रो मौको नहीं हो सके, लेकिन तू आज मोड़ी क्यों है बहना? कोई यार रामदेव जी महाराज रे कान में कह दियो कि सुगना भाई रो जो भाणु तो भी ने सर्प डस गयो और वो सिधार गयो सुरग। रामदेव जी महाराज अपनी बहन ने परचो दियो, बोले कि बहन मैं बड़े मानसु थने ससुराल सो उठे लेन आयो तो रोती नहीं भेजोला, तो चिंता मत कर, देख पीछे देख लारे देख बो थारो भाणु थोड़ियो थोड़ियो हार्यो है। रामदेव जी महाराज मरोड़े भाणु ने जीवित कर और अरे आवो 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 भाणु थने मामो साबुला आवो भाणु थने मामो सा बुलावो रिमझी में घूंगरिया धमकावो दी थने मामो सा बुलावो ए रिमझी में घूंगरिया बजावो दी थने मामो सा बुलावे ओ खम्मा खम्मा हो मारा रूणी चेरा खम्मा खम्मा हो मारा रूणी चेरा धनिया ओ थाने तो झावे आखी मारवाड़ हो बाबा बुझी रात हो अजमाल जी रात बुरा जीने लगा हूँ पहले दादा जीने लगा हूँ पहले दादा तुम पे मरने लगा हूँ ओ
डाड़ी बाई बाबा थारा पगला पथार डाड़ी बाई बाबा थारा पगला पथार दी सुगना मोहरी लाछा बाई हरे हरे री भारती हरे जी भाटी रे मन भावनी ना ओ हरे जी भाटी रे मन भावनी ना अजी माल जीरा अजमाल जीरा कबूरा अजमाल जीरा कबूरा अजमाल जीरा कबूरा हो पुलिस के अजमल कर अवतार के पाड़ा 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 चालो बाबो भली कदेला पाड़ा पाड़ा चालो बाबो एक बार आंखों को खोल दे पाड़ा पाड़ा चालो बाबो भली करेला जो लोग खड़े उनसे मेरा निवेदन है हाथों को खोल के एक बार पाड़ा पाड़ा चालो बाबो वो पाड़ा पाड़ा चालो बाबो भली करेला राम रुणी चे बाड़ो बाबो भली करेला रुणीचे बाळो बाबो भली करेला राम रुणीचे बाळो बाबो भली करेला बड़े सुगना के दी जय हो राम रुणी चे बाळो बाबो भली करेला राम रुणी चे बाळो बाबो भली करेला जय हो
इसी जगह पर इस बात को बोलता हूं कि सिर्फ ये सावन और भादवे महीना दो महीने ऐसे आते हैं कि पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में यदि कोई राजस्थानी भाई कहीं मिल जाओ, चाहे वो एयरपोर्ट पे मिल जाओ, बस स्टैंड पे मिल जाओ, यूं ही कहीं सड़क पे मिल जाओ, पूरे साल भर तो एक दूसरे का अभिवादन राम राम से करते हैं। लेकिन जब सावन महीना लगता है तब क्या बोलते हैं? कितने लोग बोलेंगे? सभी लोग है मन सभी का जय बाबा की करने का? कितने लोग नहीं बोलेंगे आप खड़ा करें एक बार, जय हो। तो जय बाबा री एक बार उद्घोष के साथ में पीछे तक सभी लोग भर देसी भंडार कदे नी कमी करेला जय बाबा। आवाज नहीं आई। भर देसी भंडार कदे नी कमी करेला, महीनों की नहीं आई। भर देसी भंडार कदे नी कमी करेला, राम रुणी चे बाळो बाबो भली करेला। राम रुणी ची बाड़ो बाबो भली करेला। रामदेव जी महाराज री बारात अब रुणीचा सो रवाना और अमरकोट पहुंची है। ए गोपाल लाल में तो थारा
लाल में तो थारा ले